राखी, अब बताएंगे आपके घर में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा दादी दादा। अच्छा पप्पू, आपके घर में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा हाँ भाई बहन। अच्छा आपके घर में दुर्गेश कौन कौन रहता है? मम्मी पापा चाचा चाची। शाबाश। और आपके घर में रीता? मम्मी पापा दादा दादी भैया भी। अच्छा आप लोग क्या घर में सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं ना? जी। अच्छा लगता है? जी जी। अच्छा लगता है ना? तो इस संबंध में हम आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? सुनाए कहानी? जी जी। अच्छा, रमेश नाम का एक किसान था, ठीक है? उसकी बीवी थी एक, उसका नाम सीमा था, और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम राहुल था बच्चे का, एक का नाम रीता था। दोनों बच्चे बहुत होशियार थे पढ़ने में। सुबेरे वो लोग स्कूल जाते थे, और शाम को जब उनका काम, स्कूल का काम करने के बाद खाली समय मिलता था, तो वो अपने जो है माता पिता की काम में हाथ बटाते थे। ये अच्छी बात है ना, माँ बाप के काम में हाथ बटाना चाहिए? जी जी। बटाना चाहिए ना? जी जी। बच्चों के जो है वो जो पापा थे उनको इंग्लिश में बोलते हैं फादर। क्या बोलते हैं? फादर। फादर। और मम्मी को इंग्लिश में बोलते हैं मदर, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो जो दोनों बच्चे थे उनके दादाजी भी उनके साथ रहते थे। दादाजी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड फादर, और दादी जी रहती थी उनको दादी जी को बोलते हैं ग्रैंड मदर। उन दोनों बच्चों के एक चाचा जी थे, उनका नाम था सुरेश। सुरेश जो थे वो एक स्कूल में अध्यापक थे। वो बच्चों के थे चाचा जी, तो चाचा जी को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। क्या बोलते हैं? अंकल। अंकल। और जो चाचा जी की पत्नी थी आंटी, उनको बोलते हैं, चाची को बोलते हैं हम लोग आंटी। तो दोनों बच्चे इतने अच्छे थे, पूरा परिवार मिलजुल करके एक साथ रहता था। बच्चे अपने बाबा दादी मम्मी पापा सबका कहना मानते थे, और हंसी खुशी एक पूरा सुखी परिवार रहता था। तो आज हम आप लोग को यही फैमिली रिलेशंस के बारे में बताएंगे कि परिवार में एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे से कैसे, ठीक है? अच्छा अब हम आप लोग को एक फोटो दिखाते हैं। इसमें आप जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा कि हु इज ही, हम पूछेंगे, और हु इज शी। आप राखी बताएंगी पहले? जी। बताइए हु इज ही? फादर। फादर। फादर माने मैंने क्या बताया था? पिता। पिताजी। अच्छा पप्पू अब आप बताइए हु इज शी? मदर। मदर। मदर को हमने क्या बताया था, किसको मदर कहते हैं? मम्मी को। शाबाश। आप बताइएगा, आप बताइए दुर्गेश हु इज ही? अंकल। अंकल, वेरी गुड। अंकल माने क्या बताया था मैंने? चाचा। चाचा जी। शाबाश। रीता आप बताएंगे हु इज शी? आंटी। आंटी। आंटी माने? चाची। चाची जी। अच्छा अब आप बताइएगा पप्पू हु इज ही? दादाजी। दादाजी। दादाजी को इंग्लिश में हमने बताया था ग्रैंड फादर। ग्रैंड, बोलो आप, बोलिए आप लोग ग्रैंड फादर। वेरी गुड। और ये कौन है पप्पू आप बताएंगे? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। शाबाश। आपने ध्यान से सुना, देखिए कहानी इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड मदर माने दादी जी, ठीक है? और ये कौन है आप बताएंगे रीता? किसकी फोटो है ये? बेटे। बेटे की। बेटे, सन को कहते हैं बेटा। अच्छा राखी आप बताएंगे ये किसकी फोटो है, दिख रहा है आपको? डॉटर। डॉटर माने बेटी। बेटी। तो आपको सब पता चल गया, रिश्तों के बारे में पता चल गया? जी दीदी। पापा मम्मी, तो फादर हो गए, मदर हो गई, ठीक है? अंकल हो गए, आंटी हो गई, ठीक है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। समझ में आ रहा है सबको? जी दीदी। सन एंड डॉटर। समझ में आया? जी। ठीक है अब आपको हम एक दूसरा चार्ट दिखाते हैं, ठीक है? इसमें आप लोग हमको बताइएगा कि आप बताएंगे राखी हु इज शी? मदर। मदर, वेरी गुड। आप बताएंगे दुर्गेश हु इज ही? फादर। फादर, वेरी गुड। रीता आप बताएंगे हु इज ही? बेटा। बेटा। बेटे को इंग्लिश में मैंने क्या बताया था आपको? सन। सन। सन माने बेटा होता है ना, सन माने बेटा बताया था। पप्पू आप बताएंगे हु इज शी? डॉटर। डॉटर, वेरी गुड। डॉटर माने क्या बताया था मैंने? बेटी। बेटी। डॉटर माने बताया था बेटी। तो ये आपने बताया ये फादर हो गए हैं, ये मदर हो गई, दीदी भी हो सकती है ये किसी की, हाँ किसी की दीदी भी हो सकती है, और ये डॉटर हो गई, बेटी हुई, और ये हुआ सन। समझ में आ रहा है आप लोग को? सबको समझ में आ रहा है? जी। ठीक है अब आप लोग को हम कुछ और बातें चार्ट के माध्यम से बताएंगे, हैं? देखिए ये लिखा है ग्रैंड फादर।
ग्रैंडफादर माने होता है दादाजी। दादाजी को हम लोग क्या कहते हैं घर में? अभी मैंने आप लोग को बताया क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। वेरी गुड। ग्रैंड मदर माने होता है दादी जी। ग्रैंड मदर माने दादी जी। वेरी गुड। फादर माने पिताजी। हाँ। और मदर माने माताजी। माताजी, मम्मी, जो भी हम लोग घर में बोलते हैं। क्या बोलती राखी आप? मम्मी जी बोलती है ना। तो समझ में आया, ग्रैंड फादर माने दादाजी, ग्रैंड मदर माने दादी जी, फादर माने पिता, मदर माने माताजी। तो ये चार्ट से आपको समझ में आया? जी दीदी। है कुछ पूछना है इसमें आप लोग को? जी नहीं। अच्छा, अब ये दूसरा चार्ट आप देखिए, ये लिखा है अंकल। अंकल माने मैंने आपको क्या बताया था, आप बताइए राखी? चाचा जी। अंकल चाचा जी को भी कहते हैं और मामा जी को भी कहते हैं, ठीक है? इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, अंकल चाचा जी को भी कहते हैं और मामा जी को भी कहते हैं। और आंट माने चाची जी, मामी जी, बुआ जी, सबको हम लोग आंट कहते हैं। लेकिन आप लोग को एक हंसी की बात बताएं, आंट माने तो होता है चाची मामी और एंट माने होता है चींटी। तो कभी आप लोग भूल से ये ना कह दीजिएगा मेरी एंट आई है। एंट कहेंगे? नहीं ना। क्या बोलेंगे? आंट, मेरी आंट आई हुई है, मेरी आंट मेरे साथ रहती है, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? जी जी। वेरी गुड। सन माने होता है, मैंने क्या बताया था आपको? सन माने बेटा। वेरी गुड। और डॉटर माने बेटी होता है। बताया था ना मैंने कहानी में आप लोग को, चारों लोग थे कहानी में ना। जी जी। एक अंकल थे बच्चों के जो अध्यापक थे, आंट थी साथ में रहती थी ना। जी। सन रहता था बच्चे, और एक डॉटर थी उनके, चार लोग थे ना। जी जी। तो इन चारों का आपको हिंदी में मतलब समझ में आ गया? जी जी जी। हैं? बिल्कुल जी जी। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग आगे देखिए, मदर्स फादर लिखा है। मदर्स फादर माने होता है मम्मी के पापा। जब आपकी मम्मी के पापा आते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं? कौन आया आज मेरे यहाँ? नाना जी बोलते हैं ना, कि मेरे तो आज नाना जी आए, बहुत खुश होते हैं ना। और फादर्स फादर माने होता है पापा के पापा जी। पापा के पापा जी को दुर्गेश क्या बोलते हैं? दादाजी। शाबाश। लेकिन हम लोग इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो है, चाहे वो मम्मी के पापा जी हो या पापा के पापा जी हो, दोनों ही लोग के लिए हम लोग एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो है ग्रैंड फादर। चाहे हमारे नाना जी आते हैं तो भी हम लोग बोलते हैं कि मेरे ग्रैंड फादर आए हुए हैं, ठीक है? और जब मेरे दादाजी आए होते हैं तब भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि मेरे तो ग्रैंड फादर आए हुए हैं। जबकि हिंदी में दोनों लोग के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बातें आप लोग को? जी। ये तो हो गए नाना जी, और ये ग्रैंड फादर्स फादर हुए दादाजी। लेकिन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग के ग्रैंड फादर आ गए, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब आप लोग दूसरा चार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है मदर्स मदर, यानी मम्मी की मम्मी। मम्मी की मम्मी को दुर्गेश क्या कहते हैं? नानी जी। बहुत खुश होते हैं ना, नानी जी आ गई, लड्डू मिठाई लाई है, कहते हैं ना, बड़े खुश होते हैं, कूदते अपने दोस्तों से, कहते हैं आज तो मेरी नानी जी आ गई है, बहुत मजा आएगा, कहते हैं ना। जी, अच्छा जी। और फादर्स मदर माने क्या होता है पप्पू, आप बताएंगे? दादाजी। पापा की मम्मी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ ठीक बोल रहे थे, पापा की मम्मी जो तुम्हारे साथ रहती है, आपके साथ, उनको आप क्या बोलते हैं? दादी जी। दादी जी बोलते हैं ना, वो भी बढ़िया बढ़िया सामान खिलाती है ना। दादी जी तो साथ में रहती है सब बच्चों के, आप लोग के साथ में रहती है दादी जी? जी ना जी। दादी तो साथ में रहती है, नानी जी तो कभी कभी आती है ना जी। दीदी। तो जब नानी जी जो है और दादी जी, नहीं, पापा मम्मी की मम्मी को हम लोग नानी जी कहा हम लोगों ने, और पापा की मम्मी को दादी जी कहा। लेकिन इंग्लिश में जब अंग्रेजी भाषा में हमसे कोई पूछता है कि कौन आया आपके यहाँ, तो हम बोलते हैं ग्रैंड मदर। सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है ग्रैंड मदर। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। वेरी गुड। समझ में आया? अब देखिए, अब आप लोग एक दूसरा चार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है मदर्स ब्रदर, यानी मम्मी का भाई। जो मम्मी के हमारे भाई होते हैं उनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मम्मी के भाई आए आज हमारे, मामा जी बोलते हैं ना, कि मेरे मामा जी आए हुए। साथ में तो नहीं रहते मामा जी तो अपने मम्मी पापा के साथ रहते, नानी नाना के साथ ना।
और फादर्स ब्रदर यानी पापा के भाई, पापा के भाई को हम लोग चाचा जी बोलते हैं। तो चाचा जी तो साथ में रहते हैं हम लोग के, लेकिन मामा जी नहीं रहते किसी के साथ, बहुत कम के रहते हैं ना। तो हिंदी में जब हमारी मम्मी का भाई आता है तब तो हम कहते हैं मेरे मामा जी आ गए, कहते हैं ना जी दीदी। और जब मेरे पापा के भाई आते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेरे आज चाचा जी आए हुए हैं जी। लेकिन इंग्लिश में इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों लोग जब आते हैं, दोनों लोग के लिए अंग्रेजी में अंकल शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं कि हमारे अंकल आए, चाहे हमारे चाचा जी आ जाएं, चाहे मेरे मामा जी आ जाएं, लेकिन दोनों के आने पे हम अपने दोस्तों को या सबको बताते हैं कि मेरे तो आज अंकल आए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। अब दूसरा चार्ट आप लोग देखिए, इसमें लिखा है मदर्स सिस्टर यानी मम्मी की बहन। आपकी मम्मी की बहन को आप क्या कहते हैं, आप बताएंगे राखी? मौसी जी। मौसी जी कहते हैं ना। मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी जी बोलते हैं। फादर्स सिस्टर यानी पापा की बहन को क्या बोलते हैं दुर्गेश? बुआ जी। बुआ जी बोलते हैं, बोलते हैं ना, सबको पता ही है। हम लोग जब मम्मी की बहन आती है तो बोलते हैं मेरी मौसी आ गई, भाई मौसी आ गई, खूब खुश होते हैं। और बुआ जी तो साथ में ही रहती हैं जी, रहती है। अगर शादी नहीं हुई रहती तब तो छोटी, अगर बुआ है तो साथ में रहती हैं। तो हम लोग बोलते हैं मेरी मौसी जी, मदर सिस्टर माने हुआ मौसी जी और फादर सिस्टर माने हुआ बुआ जी। लेकिन इंग्लिश में हम लोग दोनों लोग के लिए, चाहे वो मेरी मौसी जी हो या मेरी बुआ जी, दोनों लोग को हम बोलते हैं आंट। क्या बोलते हैं? आंट। क्या बोलते हैं? आंट, कि हमारी आंट आई हुई है, चाहे वो मौसी हो या मेरी बुआ जी हो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सब चीजें समझ में आ रही है आप लोग को? कुछ पूछना है किसी को? नहीं। सब समझ में आ रहा है सब बच्चों को? जी जी जी। वेरी गुड। अच्छा, अब आप देखिए लिखा है ब्रदर्स सन यानी भाई का बेटा। भाई के बेटे को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भतीजा, कहते नहीं जी दी। मेरा भतीजा है, ये मेरे भाई का बेटा है, या बड़ा भाई का बेटा हो या छोटे भाई का हो, दोनों को हम लोग बोलते हैं भतीजा है मेरा। ठीक है, सिस्टर्स सन यानी बहन का बेटा। बहन के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं? भांजा। भांजा, शाबाश। भाई के बेटे को हम लोग बोलते हैं भतीजा, और बहन के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं? भांजा। भांजा, शाबाश। लेकिन इंग्लिश में चाहे वो भाई का बेटा हो या बहन का बेटा हो, हम दोनों लोग के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है नेफ्यू। क्या कहते हैं, बोलिए आप लोग? नेफ्यू। क्या बोलते हैं? नेफ्यू। कहते हैं मेरा नेफ्यू आया है, ये नहीं कहेंगे कि मेरा भतीजा या भांजा आया, ये तो हिंदी के शब्द हो गए। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलते हैं मेरा नेफ्यू आया हुआ है। सिस्टर्स डॉटर यानी भाई की लड़की, सिस्टर्स डॉटर यानी बहन की लड़की, दोनों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नीज। क्या बोलते हैं? नीज। अच्छा, अब आप लोग दूसरा चार्ट देखिए, अंकल्स सन यानी चाचा का बेटा। अंकल्स डॉटर मतलब चाचा की लड़की, दोनों को, चाहे वो चाचा का लड़का हो या चाचा की लड़की हो, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? कजिन। इंग्लिश में बोलते हैं कजिन। टुडे आई टोल्ड यू अबाउट फैमिली रिलेशंस। अब आप लोग घर जाइएगा और इन सब की स्पेलिंग्स जो है वो याद करिएगा, और स्पेलिंग याद करके अगली बार मैं आप लोगों से पूछूंगी।